जी तो कैसे यहाँ पे होली का फेस्टिवल है तो बुरा ना मानो, होली है हर कोई कहता है। तो बस होली के इसी मौके से थोड़ा पहले मैं गलती से अनन्या को चोट पहुँच जाती है उसको मेरी वजह से, तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं एनॉयड हो जाती है क्योंकि अगर आपका पैर किसी और की वजह से टूट जाए तो फिर बहुत दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है उसके ऊपर। तो वो सच में मुझ पर गुस्सा है और सच में उसका पैर टूटा है किसी और की वजह से, तो वो सच में गुस्सा भी है। तो मज़ा आ रहा है, सीन भी कर रहे हैं और नए नए नोक झोंक के सीन्स हैं। हाँ, मना भी रहा हूँ कि गुस्सा मत करो, मान जाओ होली है, लेकिन वो मानती नहीं है क्योंकि बहुत गुस्सा भी है और पता नहीं, बस आगे मज़ा आएगा क्योंकि लोगों को हमारी नोक झोंक देखने में मज़ा आता है, एक नया ट्रैक है, तो धीरे धीरे आपको भी मज़ा आएगा कि रिलेशनशिप कहाँ जाता है। हाँ जी, सर्वकाल ने, जैसे कि लोगों को पता है कि मैं बालवीर की शक्तियाँ नहीं गई, तो सर्वकाल ने मेरी हेल्प करने के लिए मुझे एक पहेली दी है, तो उस पहेली को ढूंढने के लिए ही मैं बाहर निकला हूँ, लेकिन वो पहेली सुलझ गई है। बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ कहाँ पे है, कैसे हैं वो, सच में अभी है कि नहीं है, उसकी रूट्स कहाँ पे है, उसके अंदर क्या है, मुझे नहीं पता, तो बस वही ढूंढने के प्रयास में हूँ। तो हर जगह पर बैक ऑफ द माइंड यही थॉट है, भले ही अनन्या हो, विवान हो या फिर कोई और फैमिली का मेम्बर हो, जैसे अभी मिश्राइन जी है उनके साथ हूँ, तो बैक ऑफ द माइंड मेरा यही चल रहा है कि मैं कहीं ना कहीं उसे ढूंढूँ, वो क्ल्यू सॉल्व करूँ। लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है हमारा ट्रैक देखने में, जब अनन्या की एंट्री हुई थी तब TRP भी हाई गई थी और लोगों को मज़ा आ रहा है कि एक नया एंगल है, क्योंकि इस शो में पहले season 1 में भी और रिटर्न्स में भी हम ऐसा एंगल नहीं लाए थे, तो मज़ा आ रहा है क्योंकि देबू बालवीर के पास शक्तियाँ नहीं है, देबू के रूप में एकदम भोला भाला बच्चा और एक लड़की है जो बहुत फॉरवर्ड है, मुँह पर बोल देती है, तो दोनों का कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है वो तो एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। बस इसी तरह हमें प्यार देते रहे, बालवीर रिटर्न्स देखते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, जिन भी बच्चों के एग्जाम है, एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज़।